हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर मार्केट फ्रेंड अगेन। आज मैं आप लोगों को एक कंसल्टेशन पेपर दिखाने वाला हूँ। ये सेबी का वेबसाइट आप देख सकते हैं। मैंने इसके ऊपर एक ये रिपोर्ट सेक्शन में कंसल्टेशन पेपर ओपन करके रखा है। आप तो जानते हैं, या फिर आप मोस्टली जो भी व्यूअर्स हैं या फिर लिसनर्स हैं, उनको निफ्टी में ट्रेडिंग पता ही होगा। निफ्टी में ऑप्शंस या फिर फ्यूचर का ट्रेडिंग होता है। निफ्टी एक इंडेक्स है जो कि बहुत सारे 50 कॉन्स्टिट्यूएंट्स के फ्लोटिंग कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है। तो उसके ऊपर फ्यूचर डेरिवेटिव मार्केट्स में ट्रेडिंग होता है। तो सेम काइंड ऑफ ट्रेडिंग अब सेबी कमोडिटी में लाना चाहता है, या फिर जैसे निफ्टी का यूज़ होता है हेजिंग पर्पज़ के लिए, या फिर अलग अलग टाइप के ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज अप्लाई करने के लिए। तो वैसे स्ट्रेटेजीज अब सेबी हमें अलाउ करने वाला है, या फिर ला रहा है वो कमोडिटी सेक्टर में। तो यहाँ पे इन्होंने कंसल्टेशन पेपर इशू किया हुआ है। ये एक्चुअली 16 जनवरी 2019 को रिलीज़ हुआ है। इसके अंदर यहाँ पे इन्होंने ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है कि कंसल्टेशन पेपर इज़ टू सीक कमेंट्स एंड व्यूज़ फ्रॉम द पब्लिक ऑन कमोडिटी इंडेक्स डिज़ाइन एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन फॉर फ्यूचर्स ऑन कमोडिटी इंडाइसेस। तो कमोडिटी इंडाइसेस पे फ्यूचर्स और कमोडिटी इंडेक्स डिज़ाइन करने के लिए ये पेपर फ्लोट किया गया। तो इसका बैकग्राउंड ये है कि 2016-17 में जो यूनियन बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने ये किया था कि नए डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट बनाए जाएंगे और लॉन्च किए जाएंगे, तो वो बैकग्राउंड बेसिस पे ये मूवमेंट या फिर ये इनिशिएटिव इन्होंने लिया हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ डिटेल्स दिए हुए कि कैसे होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कमोडिटी इंडेक्स, ये एक्चुअली कंसल्टेशन पेपर है, तो इसमें जो चेंजेस है वो आई डोंट थिंक कि जैसे के वैसे इम्प्लीमेंट होंगे, ज़रूरी नहीं है। तो उसमें अकॉर्डिंगली चेंजेस हो सकते हैं। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम समझ सकते हैं कि क्या आने जा रहा है या फिर क्या प्लान कर रहे हैं। तो ये कमोडिटीज़ फ्रॉम मोर देन वन सेक्टर और सेक्टोरल उसके अंदर कंस्टिट्यूएंट्स होंगे। अलग अलग जो कमोडिटीज़ होंगे वो उसका पार्ट होंगे। उसका नाम के लिए उन्होंने रिक्वायरमेंट मंगाया है। उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे निफ्टी में स्टॉक का एक पर्टिकुलर मार्केट फ्लोटिंग कैपिटल है, या फिर उसका ट्रेडिबिलिटी है कि वो उतने टाइम तक ट्रेड हुआ होना चाहिए फ्यूचर्स उसका अंडरलाइन का। तो फिर कमोडिटी में भी सेम वैसे अलग अलग इन्होंने रिक्वायरमेंट्स दिए। और उसका 75 करोड़ फॉर एग्रीकल्चरल एंड एग्री प्रोसेस कमोडिटीज़, और 500 करोड़ फॉर ऑल अदर कमोडिटीज़ के लिए प्रीवियस 12 मंथ का उसका डेली टर्नओवर होना चाहिए इतने अमाउंट का। ओके, और रीबैलेंसिंग का स्केड्यूल दिया हुआ है, 6 मंथली, हाफ ईयरली वगैरह। और वेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक 25% प्रोवाइडेड वेटेज ऑफ आइदर शल नॉट बी लेस देन, एक का 25% से कम नहीं होगा। तो अलग अलग ऐसे क्राइटेरियाज दिए हुए। तो इससे हमें एक बात पता चलती है कि आने वाले टाइम में जो कमोडिटीज़ में ट्रेड करते हैं उनके लिए एक बेनिफिशियल थिंग होगा कि जैसे हम निफ्टी का पोर्टफोलियो, बड़े बड़े खास करके इन्वेस्टर्स या फिर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स होते हैं, वो निफ्टी का आर्बिट्रेज फंड्स होते हैं, वो निफ्टी का जो ऑप्शंस होता है और उसका फ्यूचर्स होता है वो हेजिंग के लिए यूज़ करते हैं। हालांकि छोटे जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं उसमें ज़्यादा हेजिंग का इतना इस्तेमाल होता है ऐसा मुझे तो पता नहीं है। तो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स का जो पार्टिसिपेशन है वो इसके वजह से बढ़ सकता है। तो यहाँ पे पोजीशन लिमिट्स दिया है, ट्रेडिंग मेंबर लेवल, डेली प्राइस लिमिट, सेटलमेंट मैकेनिज्म कैश में होगा जैसे निफ्टी का होता है, और ये मोस्टली 6 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जैसे कि निफ्टी के मंथली, 2 मंथली, 3 मंथली होते हैं, वैसे 6 मंथली होंगे। और इसमें बहुत सारे चेंजेस होने वाले आगे आने वाले टाइम में। और मार्जिन वैसे होगा लगभग 5 से 6 लाख का एक कॉन्ट्रैक्ट या फिर लॉट होने वाला है। तो उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको इसमें कुछ इनपुट देना, आपको ये सही लग रहा है, गलत लग रहा है, या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट आप इसमें जो क्राइटेरियाज दिए वो सजेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने पब्लिक कमेंट्स मंगाए। ये पेपर 16 जनवरी को रिलीज़ हुआ है, कंसल्टेशन पेपर। तो अगले 15 से 20 दिन तक अभी बाकी है कि आप ये फॉर्मेट में सीरियल नंबर, पैराग्राफ नंबर, सजेशन, रैशनल है उसका जो भी है लॉजिक, वो एड्रेस पे भेज सकते हैं। तो ये वीडियो उस बारे में था कि आपको इन्फॉर्म करना कि कमोडिटी का भी निफ्टी जैसा एक इंडेक्स आ रहा है, तो आपका ट्रेडिंग उसके वैसे वैरायटी वाला हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा, जिसमें आप बहुत कुछ हेजिंग वगैरह भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।